हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि आपको प्रेगनेंसी में गुड़ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने से क्या होता है, कितने सारे आपको फ़ायदे मिलते हैं या इसके नुकसान होते हैं, गुड़ आपको कितनी मात्रा में खाना चाहिए और गुड़ का सेवन आपको किस महीने में करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें सबसे पहले ये डाउट रहता है कि पता नहीं ये चीज़ से किसी भी तरीके कोई हार्म ना हो जाए बेबी को, स्पेशली गुड़ को लेके। गुड़ की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और प्रेगनेंसी में गर्म चीज़ें खाने से डर लगता ही है, क्योंकि गर्म चीज़ें खाने से क्या होता है, सही, मिसकैरेज का खतरा होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हम डरते हैं कि कोई ऐसी गर्म चीज़ हम ना खा लें जिससे कि बच्चे को दिक्कत हो जाए। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि गुड़ ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप प्रेगनेंसी में गुड़ का सेवन करती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। प्रेगनेंसी में आप गुड़ खा सकती हैं, लेकिन गुड़ के खाने का एक तरीका होता है, एक क्वांटिटी होती है गुड़ की कि आपको कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किस महीने में खाना चाहिए, ये चीज़ हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं गुड़ खाने के क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे पहले आपको। सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स कि गुड़ में क्या होता है कि सोडियम पाया जाता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके बीपी को बिल्कुल कंट्रोल में रखता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में किसी किसी का बीपी क्या होता है कि फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है फिर लो हो जाता है, इस तरीके से प्रेगनेंसी में बीपी फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी में गुड़ का सेवन करती हैं तो ये प्रॉब्लम फिर आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा इसका फ़ायदा होता है, अगर आपको प्रेगनेंसी में खून की कमी है, मतलब कि जो आपके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम मात्रा में बन रहे हैं और हीमोग्लोबिन आपका कम हो गया है, तो ऐसे में आपको गुड़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि गुड़ क्या करता है कि आपके अंदर रेड ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ाता है, मतलब आपकी हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है उसको बढ़ाता है। इसके बाद क्या फ़ायदा मिलेगा कि जैसे कि प्रेगनेंसी में सूजन आना एक बहुत ही फेमस वाली प्रॉब्लम होती है जो आती आती है बहुत सी लेडीज़ में, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप प्रेगनेंसी में गुड़ का सेवन करेंगी तो आपको जो सूजन की समस्या है वो फिर नहीं होगी। चौथा और इसका सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है बच्चे के विकास के लिए, फॉलिक एसिड। गुड़ में फॉलिक एसिड पाया जाता है, तो फॉलिक एसिड क्या काम करता है प्रेगनेंसी में कि आपके बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो अगर आप गुड़ का सेवन करती हैं प्रेगनेंसी में तो आपको फॉलिक एसिड की कमी नहीं होने वाली है, मतलब कि बच्चे की ग्रोथ अब बहुत अच्छे से होने वाली है। साथ में क्या होगा कि गुड़ में कैल्शियम भी होता है तो जो आपकी कैल्शियम की कमी को भी पूरा करेगा। चलिए ये तो हमने जान लिए फायदे, अब हमें जानना है कि इसको कैसे खाया जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा प्रवचन तो दे दिया कि ये फ़ायदे ये नहीं बताया कि कब खाना है और कैसे खाना है, तो थोड़ा सा शांति रखिए, मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको 3 महीने तक गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए, 4th महीने के बाद ही आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको करना चाहिए। 4th महीने से 8वें महीने तक आप गुड़ का सेवन कर सकती हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। जैसे कि आप क्या कर सकती हैं, 4th महीने से 8वें महीने तक आपने खाना खाया, चाहे लंच आपका हो या डिनर आपका हो, तो आप उसके बाद थोड़ा सा इतना सा गुड़ आप लेकर और खाने के बाद खा लीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको जो सीने में जलन और अपच की जो दिक्कत होती है, गैस की दिक्कत होती है, वो भी आपको कम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप 4th महीने से 8वें महीने तक खाने के बाद गुड़ का सेवन कर सकते हैं, या फिर जैसे कि आप गुड़ की चाय बनाकर भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गुड़ का आप एक टुकड़ा डालिए चाय में, वो भी आप ले सकते हैं। आप गुड़ को दूध में भी ले सकते हैं, किसी किसी को दूध में चीनी पसंद नहीं होती है, तो आप छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल के दूध में पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। गुड़ बहुत अच्छा होता है तो आप गुड़ खा सकते हैं, और स्पेशली ठंडियां हैं तो ठंडियों में विदाउट डाउट आप गुड़ का सेवन कर सकती हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका 9वां महीना लग जाता है, अब 9वें महीने में तो गर्म चीज़ें खाना ही चाहिए आपको, ठंडियों का टाइम चल रहा तो अपनी मसल्स को रिलैक्स देना है ना, डिलीवरी आसान बनानी है ना आपको, तो आपको क्या करना है 9वें महीने में गुड़ का सेवन आपको जरूर करना है। वो कैसे कर सकती हैं आप,
कि आप जैसे कि तिल के लड्डू बनवा सकती हैं, तिल के तिल भी गर्म होता है और गुड़ भी गर्म होता है, तो आप अगर ये खाती हैं तो आपको डिलीवरी में आसानी होगी, आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स हैं वो लचीली होंगी और आपका बच्चा आसानी से नॉर्मल डिलीवरी से बाहर आ जाएगा और किसी भी तरीके की समस्या भी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आप 9वें महीने में क्या करें कि तिल के लड्डू बनवा लें, या तिल के लड्डू आपको पसंद नहीं है तो आप जैसे कि गुड़ को फ्राई करके ड्राई फ्रूट्स के साथ भी आप खा सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपने जान लिया अब कि आपको गुड़ कैसे खाना है और कितने सारे आपको इससे फ़ायदे मिलेंगे। तो आई होप अब आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो अच्छा लगा है ना आपको, इतनी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बताई, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंजूसी बिल्कुल मत करना लाइक करने में, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो घंटे है वो तो दबाना ही है ना, क्योंकि फिर वीडियो आएंगे लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मेरा वीडियो आ गया है, तो उसके लिए एक घंटी को दबा दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप अपने टॉपिक भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकती हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहती हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश जरूर करूंगी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।